हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो जो कि काफी इन्फॉर्मेटिव है। जी हाँ, मैं स्टार्टिंग में ये बता रहा हूँ वर्ड इन्फॉर्मेटिव, इसे समझ जाना कि सच में इन्फॉर्मेटिव है, बिकॉज इस वक्त मैं हूँ बैंकॉक थाईलैंड में। और जैसे कि आप सभी को पता है, जब भी मैं इंटरनेशनल ट्रिप करता हूँ, न जाने मैंने कितनी इंटरनेशनल ट्रिप की है, लेकिन जब भी किए टूरिज्म पर्पज के हिसाब से किए, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो, वीजा हो, सारी प्रोसेस, जो भी प्रक्रिया बताई है, वो भी जाहिर सी बात है टूरिज्म पर्पज के हिसाब से बताई है, ठीक है। लेकिन ये वीडियो खास इसलिए है ना, क्यों के लिए ये वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग, जो अगर आपको कोई भी अब्रॉड कंट्री या फिर फॉरेन कंट्री विजिट करना है अदर देन टूरिज्म पर्पस, जैसे कि स्टडीज के लिए हो गया, वर्क के लिए हो गया, बिजनेस के लिए हो गया, या फिर गुड्स एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो जो मैंडेटरी प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, इसीलिए ये वीडियो बहुत खास है। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र, वणक्कम, एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट ट्रैवल वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो मैंने भी काफी रिसर्च करके पता लगाई है, और जाहिर सी बात है काफी इन्फॉर्मेटिव है। तो मैंने सोचा कि बैंकॉक थाईलैंड सीरीज में स्टार्ट करने से पहले ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड कर दूं, क्योंकि लिए मेरे को काफी कमेंट्स, काफी डीएम्स आते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो कि यूट्यूब में ही हो, कि सर अगर मेरे को पढ़ाई करने जाना है फलाना कंट्री में, या फिर मेरे को बिजनेस करना है ढिमकाना कंट्री में, तो क्या प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे वहां अपनाए जाते हैं, मतलब अगर मैं मेरा बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी अगर देना चाहूँ तो कैसे मान्यता होती है, और कैसा यू नो डॉक्यूमेंटेशन वहां पे वैलिड होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। इस प्रोसेस को कहते हैं अपोस्टाइल प्रोसेस। बेसिकली दो प्रोसेस है, क्योंकि कैसा है ना कि एक आप कह सकते हो कि एक 100 कंट्रीज से ज्यादा का एक संगठन है, ओवर 100 कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसको कहते हैं हाग कन्वेंशन, ठीक है। हाग कन्वेंशन जिसमें इंडिया आता है, यूएस आता है, साउथ अमेरिका के लगभग सारे कंट्रीज आती है, यूरोपियन कंट्रीज लगभग सारी आती है, जिसमें फ्रांस, एम्स्टरडेम, जर्मनी, इटली, स्पेन हो गया, राइट, रशिया आता है, आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है लगभग वो हाग कन्वेंशन में आ जाती है, जिसमें अपोस्टाइल स्टैम्प मतलब एक दूसरे को ये मान्यता दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंडियन सिटीजन को फ्रांस पढ़ाई करने जाना है ना, तो यहाँ अगर वो पढ़ाई करेगा तो इंडिया में तो क्या है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट हो गए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गए, तो आपको ओरिजिनल ऐसे ही सबमिट करने रहते हैं, ऑलरेडी उस पर अपने इंडियन गवर्नमेंट का मोहर लगा हुआ रहता है, तो वो ऑलरेडी ऑथेंटिकेट ही होता है, वैलिड ही होता है, मान्यता उसको मिलनी ही है। लेकिन अगर आपका कोई इंडियन डॉक्यूमेंट फॉरेन में मान्यता करवाना है ना, तो उस पर इंडियन गवर्नमेंट के कुछ स्टैम्प्स लगते हैं। अगर आप ऐसे ही दे दोगे, वहां पे फ्रांस में जा रहे हो और यू नो पढ़ाई के लिए एडमिशन दे रहे हो और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ऐसे ही दे रहे हो ना, बिना कोई स्टैम्प्स के, तो उसकी मान्यता नहीं है, भले ही आप ओरिजिनल दो। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे इंडियन सरकार से कुछ स्टैम्प्स चाहिए, जिससे वो कंट्री में वो अप्रूव हो सके कि हाँ भाई ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो ये जो स्टैम्प लगाने का प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं अपोस्टाइल सर्विस, और एक अटेस्टेशन प्रोसेस भी होता है। अब ये दोनों इसलिए अलग अलग है बिकॉज अगर आपको ओवर दी 100 कंट्रीज, जो मैंने आपको नाम बताया ना रफली, जो हाग कन्वेंशन के मेंबर्स है, उसमें अगर कुछ काम पड़ जाता है ना, जैसे पढ़ाई करनी हो, वर्क करना हो, बिजनेस करना हो, तो अपोस्टाइल सर्विस लेनी पड़ती है, अपोस्टाइल के स्टैंप लगवाने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। अगर इसके अलावा जो कंट्रीज है, जैसे कि कनाडा हो गया, यूएई हो गया, आपको दुबई वगैरह में जॉब करना है या फिर बिजनेस पर्पस के लिए यू नो स्टार्ट करना है, वहां पे अगर मान्यता करवानी है आपकी डॉक्यूमेंटेशन, तो वो अटेस्टेशन प्रोसेस होता है। दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, प्रोसेस तो एक ही है कि आपको स्टैम्प्स लगवाने हैं सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से। लेकिन अटेस्टेशन प्रोसेस में एक चीज एक्स्ट्रा है, मान लो अगर आपको यूएई में जॉब वगैरह करनी है, तो अटेस्टेशन प्रोसेस में भी वो लगभग सारे स्टैम्प्स लगते हैं, लेकिन वो यूएई का एम्बेसी का स्टैम्प भी लगेगा, मतलब जो नॉन हाग कन्वेंशन मेंबर है ना, उसका एक एम्बेसी का स्टैम्प भी अलग से लगेगा आपके डॉक्यूमेंट्स पे। कहने का मतलब है अटेस्टेशन प्रोसेस में एक स्टैम्प एक्स्ट्रा रहता है, एक प्रोसेस एक्स्ट्रा रहता है। तो अटेस्टेशन प्रोसेस में जब वो एम्बेसी स्टैम्प लगाती है ना, फिर वो डॉक्यूमेंट लीगल हो जाता है, फिर आप यूज कर सकते हो। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दोनों चीजें बताता हूँ, जिससे आप भी अपने डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल करवा सकते हो या फिर मान्यता करवा सकते हो स्टैंप लगवा के, ताकि कि वो डॉक्यूमेंट वो पर्टिकुलर कंट्रीज में काम आ सके और आपका काम हो सके। तो स्टार्ट करते हैं अपोस्टाइल सर्विस समझाने से, ठीक है। तो अपोस्टाइल सर्विस में भी तीन टाइप के होते हैं, बिकॉज हर चीज का अलग प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से। जैसे कि एडुकेशनल का ले लो, तो एडुकेशनल में आपके डिग्री वगैरह के डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है। सेकेंड चीज आती है पर्सनल, अगर आपको पर्सनल पे अपोस्टाइल करवाना है, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, राइट। तीसरा आता है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट पे, जैसे कि मान लो आपके इनवॉइस हो गए, या फिर एक्सपोर्ट के जो बिल्स होते हैं वो, या फिर मेमोरेंडम हो गया। तो ये तीनों टाइप के जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उसमें अगर अपोस्टाइल का स्टैंप लगवाना है, तो हर एक के अलग अलग प्रोसेस रहते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि हर डॉक्यूमेंटेशन के पीछे क्या क्या प्रोसीजर होता है,
सो दैट फाइनली आपको अपोस्टल का स्टैम्प उस डॉक्यूमेंट पे मिल सके। तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया ना, उसमें आपको हर एक का इमेज मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे कैसे करना है, तो डायग्राम्स आपको मिल जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसा है। मान लो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे अपोस्टल कराना है, तो वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये चीज रहता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से, मतलब जो ओरिजिन है ना वहां से स्टार्ट करना पड़ता है। मान लो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से वो डिग्री हासिल हुई है, राइट, और वो डिग्री पे अपोस्टाइल करवाना है, तो पहले तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से वो मान्यता लेनी पड़ेगी, वेरिफिकेशन लेना पड़ेगा। फिर वो जैसे यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन करती है, फिर वो जाता है स्टेट डिपार्टमेंट में, HRD, होम डिपार्टमेंट आप कह सकते हो, वहां पे वो वेरिफिकेशन होगा, वहां पे वो स्टैंप लगेगा। उसके बाद वो जाएगा सेंटर में, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टैंप लगाएगी अपोस्टाइल का। ये देखो ऐसा होता है, ये मान लो ये आपका ये जो स्क्वायर है ना, यही है अपोस्टाइल का स्टैंप। तो ये जो स्टैंप है अपोस्टाइल का, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको सेंटर से मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देती है, राइट। उसके पहले जो मैंने आपको बताया था ना होम डिपार्टमेंट में, ये वो स्टैंप है होम डिपार्टमेंट का लगता है, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट पे। उसके पहले जो आपको बताया था कि आपकी यूनिवर्सिटी यू नो वेरीफाई करती है, तो ये वो स्टैंप है। और कोई कोई जगह पे नोटरी के स्टैंप्स भी लगते हैं, इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में नोटरी के स्टैंप्स भी आपको लगवाने पड़ते हैं। तो ये रहे नोटरी के स्टैंप्स, आप देख सकते हो। तो ये सारा प्रोसीजर रहता है, स्टेप बाय स्टेप आपको स्टैंप्स लगवाने पड़ते हैं, ताकि के आपको लास्ट में अपोस्टाइल का स्टैंप मिल जाए, जिससे फिर आपका डॉक्यूमेंट वैलिडेट हो सके, और फिर वो हाग कन्वेंशन की जो कंट्री जो मेंबर है, जिसमें आपको जाना है पढ़ाई या फिर ट्रेड वगैरह के लिए, तो उसकी वो मान्यता मिल सके वो डॉक्यूमेंट को। तो मैंने आपको एक चीज का प्रोसेस बता दिया कि कैसे आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे अपोस्टाइल का स्टैंप ले सकते हो। सेकंड चीज आती है आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट पे, मान लो बर्थ सर्टिफिकेट पे, तो मैंने जो आपको एग्जांपल बताया बेसिकली ये बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर ही है। या आप देख लो अपोस्टाइल का स्टैंप बर्थ सर्टिफिकेट का, उसके पहले ये तो सेंटर से मिलता है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। उससे पहले जो प्रोसेस रहता है वो वही रहता है कि आपको स्टेट ऑफिस से यानी कि होम डिपार्टमेंट से स्टैंप लेना पड़ता है। उसके पहले वही रहता है कि रीजनल ऑफिस से लेना पड़ता है, और पर्सनल वाले में ना नोटरी के स्टैंप्स लगाने ही पड़ते हैं आपको, तो नोटरी के स्टैंप्स भी लगवाने पड़ते हैं। तो ये सब प्रोसेस रहता है। तीसरी चीज, तीसरा डॉक्यूमेंट की अगर बात करूं तो वो कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट की होती है। कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट में नोटरी का कोई लेना देना नहीं है, उसमें नोटरी के स्टैंप्स नहीं लगते। अगर आपको कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट पे अपोस्टाइल का स्टैंप लगवाना है ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, जो मेन स्टैंप है, तो उसके पहले आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्टैंप लगवाना पड़ता है। उसको नोटरी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप ऑफकोर्स एक बिजनेस एक ट्रेड में नोटरी से क्या ही लेना देना, उसमें आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्टैंप लेना पड़ता है। उसके बाद फिर वो आप अप्लाई कर सकते हो अपोस्टाइल के स्टैंप के लिए। तो बेसिकली कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट हो, अगर आपको अपोस्टाइल का स्टैम्प यू नो अप्लाई करना रहता है ना मेन स्टैम्प के लिए, तो मेनली वो दिल्ली से होता है, लेकिन आप वो गोवा से भी करा सकते हो, मुंबई से भी करा सकते हो, बैंगलोर से भी करा सकते हो, कहीं से भी करा सकते हो। इनफैक्ट आप क्योंकि सरकार ने ना जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है ना उनको भी ये मान्यता दी है अपोस्टाइल सर्विस के लिए, तो आप ये रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आपके जो नजदीकी है वहां पे भी ये अपोस्टाइल के स्टैम्प के लिए डॉक्यूमेंट दे सकते हो। लेकिन उसके पहले आपको वो जो स्टैम्प से जो रीजनल हो गया, स्टेट का हो गया, होम डिपार्टमेंट का हो गया, जो भी है, वो आपको पहले से ही लेने पड़ेंगे। पहले आप वो लो, फिर वो आप सबमिट करो अपने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में, ताकि कि आपको लास्टली अपोस्टाइल का स्टैम्प मिले। मोटा मोटी आप समझ ही गए हो कि अपोस्टाइल प्रोसेस जो मैंने बताया, चाहे आपका कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट हो, कॉमर्स से रिलेटेड हो या एजुकेशनल पर्पस का हो या फिर पर्सनल का हो, कैसे आप अपोस्टाइल लगवा सकते हो, ठीक है। और वो आप उन कंट्रीज के लिए लगा सकते हो अगर आपको हाग कन्वेंशन के मेंबर्स में विजिट करना, फॉर एग्जांपल जापान हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, US हो गया, राइट। अगर इनके जो मेंबर्स नहीं है ना, बिकॉज 100 के ऊपर कंट्रीज ही मेंबर है, काफी कंट्रीज मेंबर नहीं है, तो अगर आपको वो कंट्री में जाना है जैसे UAE वगैरह कुछ पर्पस के लिए अदर देन टूरिज्म, तो आपको अटेस्टेशन प्रोसेस कराना पड़ता है। अब मैं आपको अटेस्टेशन प्रोसेस भी बता देता हूँ। तो अटेस्टेशन प्रोसेस भी वही है लगभग जो अपोस्टाइल में, लेकिन आपको अपोस्टाइल का स्टैम्प नहीं लगेगा। प्रोसीजर सारा वही है, चाहे आपका कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट हो। लास्ट में आपको मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टैम्प भी देगी, लेकिन ये ऐसा स्टैम्प नहीं देगी स्क्वायर वाला, ये अपोस्टाइल स्टैम्प है, ये ऐसा नहीं देगी। ये रहा एक और डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताता हूँ, ये रहा रबर स्टैंप आपको देगी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वहां तक ये सेम प्रोसीजर है, ठीक है, नॉर्मल सा स्टैंप रहता है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रोसेस है वो ये है, ये देखो UAE का है, ये ट्रेड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, मेरे फ्रेंड ने करवाया था, उसको ट्रेड स्टार्ट करना था UAE में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे UAE का स्टैंप लगा हुआ है, एम्बेसी का स्टैंप। ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेस रहता है अगर आपको अटेस्टेशन प्रोसेस करवाना है फॉर दोस कंट्रीज जो कि अभी तक हाग कन्वेक्शन के मेंबर नहीं है एज ऑफ नाउ। तो ये जो अटेस्टेशन प्रोसेस है ना नॉन हाग कन्वेक्शन मेंबर्स के, उसमें ये जो आपको स्टैंप लेना पड़ता है लास्ट में एम्बेसी का, राइट। तो इस चीज में भी एक डिफर चीज ये करती है कि हर एम्बेसी के अलग रूल्स होते हैं, तो हर एम्बेसी का ना कॉस्ट अलग रहता है और टाइम लिमिट अलग रहता है, मतलब कोई आपको जल्दी दे देगा, कोई कंट्री का एम्बेसी आपको लेट दे देगा, डिफर करता है। कोई कोई एम्बेसी तो
खुद से आपको एंट्री भी नहीं देगी, वो उन्होंने एजेंसी अपॉइंट की है, थर्ड पार्टी अपॉइंट की है, जिसके थ्रू आपको करवाना पड़ता है, ये एम्बेसी का स्टैम्प लेना पड़ता है। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप खुद से सब कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी एजेंसी का यू नो सर्विस भी हायर कर सकते हो। काफी सारी ऐसे एजेंसीज होती है जो सारा प्रोसेस ए टू जेड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर से डॉक्यूमेंट्स पिकअप करके सारे स्टैम्प्स लगवा के आपके घर पे ड्रॉप भी करेगी। फिलहाल तो मैं ही आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों प्रोसेस मैंने आपको समझा दिए, जिससे जो कि मैंडेटरी होते हैं अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स फॉरेन में यूज करने हैं, तो ये सारा प्रोसेस रहता है। और मेरे को भी इसके ऊपर एक वीडियो बनानी थी और इन्फॉर्मेशन लेनी थी, ताकि के मेरे को भी पता चले और आप लोगों के साथ भी ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं, ताकि के इन फ्यूचर जब भी आपको जरूरत पड़े अदर देन टूरिज्म के हिसाब से कोई भी कंट्री विजिट करनी हो तो क्या मैंडेटरी चीजें वो आपको पता चले। तो वही बात है कि रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने ना यूएई में, मेरा एक फ्रेंड है रौनक, तो बेसिकली उसने यूएई में ट्रेड करने का सोचा था, तो उसने ये सब ये प्रोसेस कराया था, अटेस्टेशन प्रोसेस। तो वही बात है, उससे मेरे को काफी मोटिवेशन हुआ, बिकॉज उसने पहले मेरे को पूछा था, मैं ट्रैवलर हूँ तो जाहिर सी बात है उसको लगा रहेगा कि इसको सब पता रहेगा प्रतीक को। तो मैंने बोला भाई मेरे को इसका कोई बिकॉज कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं था, हमेशा मैं भी जाता था तो टूरिज्म पर्पज के हिसाब से जाता था, राइट? तो मेरे को इसका नॉलेज नहीं था, लेकिन उसने बहुत पता लगाया और उसने फाइनली फिर एजेंसी से करवाया। और यू नो वो एजेंसी से उसको हो गया सारी चीजें, अटेस्टेशन प्रोसेस अच्छे से हो गया, अच्छे टाइम में हो गया, अच्छे कॉस्ट में हो गया, और उसने फिर मेरे को सारी डिटेल्स दी, जिसके वजह से मैंने सोचा कि यार इस पे तो वीडियो बनाना जरूरी है, ताकि कि मैं मेरे व्यूअर्स को भी बता सकूं कि अदर देन टूरिज्म पर्पस, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो कि किसी के लिए भी हो, आप फॉरेन जा सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स पे वो पर्टिकुलर स्टैम्प्स लगवाने पड़ते हैं। तो मेरे फ्रेंड से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली और उसने रिकमेंड भी करा है कि उसने जो एजेंसी से कराया था उसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और वो एजेंसी से उसका इजीली काम हो गया, जिससे यू नो उसको कम टाइम में और एकदम नॉमिनल सर्विस फी रहता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ, आप अगर इतने स्टैम्प्स खुद से करवाते हो, जो मैंने सारा प्रोसेस बताया आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, तो उसमें तकरीबन 1.5-2 महीना चला जाता है, ठीक है? और अगर आपके पास टाइम इतना नहीं है तो आपको एजेंसी ही लेना पड़ता है, क्योंकि वो बेस्ट रहता है, वो टाइम से हर चीज कर देता है, बिकॉज उनका रात दिन का काम रहता है, उनको पता रहता है कि पहला ये स्टेप है, दूसरा ये स्टेप है, तीसरा ये स्टेप है, फटाफट करता रहता है। मेरे फ्रेंड के, यू वोंट बिलीव, ये एजेंसी ने क्या किया पता है, मेरे फ्रेंड के घर से डॉक्यूमेंट्स पिकअप करा, वहां पे यू नो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्टैम्प भी लगवाए, होम डिपार्टमेंट के स्टैम्प भी लगवाए, खैर उसको तो ट्रेड करना था तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्टैम्प भी लगवाए, और फिर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का वो नॉर्मल सा रबर स्टैम्प भी लगवाया, फिर यूएई एम्बेसी का स्टैम्प भी लगवा के वापस कुछ ही दिनों में वापस उसके घर पे, मेरे दोस्त के घर में वो डिलीवर कर दिए सारे डॉक्यूमेंट्स। और अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ ना, तो एम्बेसी का जो फी रहता है ना वो तो पे करना ही पड़ता है, आप खुद से भी करोगे तो आपको पे करना ही पड़ेगा, उसके ऊपर हल्का सा सर्विस चार्ज वो लेते हैं। तो ये बहुत सही है कि अगर आपको इतना भागा दौड़ी नहीं करना है, बिकॉज आप भागा दौड़ी करोगे आपका 100 चला जाएगा, और अगर आप सिर्फ सर्विस यू नो किसी को रेंडर करोगे, किसी को दे दोगे, जैसे ये एजेंसी है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वो सिर्फ आपका 50 रुपया ही जाएगा, आधा ही रुपया जाएगा और हैसल फ्री रहेगा, आपको घर बैठे बैठे आपके अपोस्टल या फिर अटेस्टेशन प्रोसेस के स्टैम्प्स डॉक्यूमेंट्स पे आपके मिल जाएंगे। तो मेरे दोस्त ने फिर फाइनली मेरे को रिकमेंड करा और बोला भी कि भाई इस पे वीडियो बना, और सच में ऐसी एजेंसी से अगर काम होगा तो लोगों का बहुत हेल्प होगा, फास्ट होगा, पैसे भी बचेगा और टाइम जो सबसे क्रूशियल चीज होती है वो बच जाएगा। तो वही बात है, मेरे दोस्त ने ये एजेंसी का रिकमेंड करा है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, फिर मैंने सोचा इस पे वीडियो बना देता हूँ, लेकिन मेरे को और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो मैंने उनके वेबसाइट में गया, वेबसाइट में देखा तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और ऐसी टाइप की इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करी है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहता है, डायग्राम के साथ उन्होंने बताया है, जिसे आप खुद से भी कर सकते हो। वो एजेंसी ऐसा नहीं बोल रहा है कि मेरे से ही करो, वो एजेंसी आपको सारे प्रोसेस भी बता रहा है कि ये सब प्रोसेस होता है, आप भी कर सकते हो या फिर हम आपको करके दे देंगे घर बैठे बैठे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उनके वेबसाइट में गया, काफी रिसर्च करी, सब समझ गया मैं अच्छे से, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। तो अब मैं आपको उनका वेबसाइट बता देता हूँ, जिससे आपको भी आइडिया आ जाए कि बेसिकली है क्या वो वेबसाइट में और क्या क्या डिटेल्स आपको भी मिल सकती है। तो ये जो एजेंसी का वेबसाइट है वो है MEA-India.in, और ये देखिए इनके कंपनी का नाम है एक्सेलेंट अपोस्टाइल सर्विसेज। ये एक प्राइवेट प्रोफेशनल नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है, और इनके देखिए कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा। ये उनके सर्विसेज है, अपोस्टाइल सर्विसेज, सर्टिफिकेट अटेस्टेशन, एम्बेसी अटेस्टेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये सब सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। अब अपोस्टाइल सर्विस में होता क्या है कि सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने ये देखो ये पेज में दिए जो आपको बहुत काम लगेगी, जैसे कि अपोस्टाइल की मीनिंग बताई है, ये सब पेज में देखो आपको मिल जाएगी सारी डिटेल्स। अपोस्टाइल के लिए ये पेज है पूरा। अभी आप देखो इन्होंने ये चीज़ें बताई कि अपोस्टाइल का स्टिकर कैसे होता है, ये क्लियर आप देख पा रहे हो, राइट?
ये सब डिटेल्स आते हैं जो गवर्नमेंट, जो फिक्स डिटेल्स होती है ना गवर्नमेंट की, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो देती है अपोस्टल कस्टम, वो सारी चीज़ें ये बताई है। देखिए अभी इन्होंने ये प्रोसेस भी बताया सारी चीज़ें कि अगर आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है या फिर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है या फिर कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट है तो कैसे आपको अपोस्टाइल कराना है। जैसे कि कॉमर्शियल है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से होगा, एजुकेशनल है तो HR डिपार्टमेंट से होगा, यू नो, और कॉमर्शियल तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू ही अपोस्टाइल होगा। तो ये सारी चीज़ें बताइए, और ये सारी इतनी सारी कंट्रीज़ है जो अपोस्टाइल का स्टैम्प लगता है, आपको एम्बेसी का अटेस्टेशन की रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज ये हाग मेंबर्स के यू नो मेंबर्स है हाग कन्विक्शन के, जिसकी वजह से अपोस्टाइल स्टैम्प ही काफ़ी है। और जो नॉन मेंबर्स है, जैसे कि मैंने कहा था UAE अगर नहीं है, तो UAE में अगर आपको अटेस्टेशन करवाना है, प्रोसेस करवाना है, तो UAE का भी सारी चीज़ें अभी बताइए। तो आपको एम्बेसी का स्टैम्प लगेगा लास्ट में। अभी सेम प्रोसेस रहता है जो अपोस्टाइल में होता है, लास्ट में यू नो आपको मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का नॉर्मल सा रबर स्टैम्प भी लगेगा, लेकिन लास्ट में एक एम्बेसी का स्टैम्प भी लगेगा UAE का। यहाँ पे देखो आपको कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, 24/7 है इनका, कोई एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है, और ऑल ओवर इंडिया से आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे, पिकअप एंड ड्रॉप ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपकी फिजिकल प्रेजेंस की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, सेफ्टी इनके लिए पहली प्रायोरिटी है, आपका पार्ट पेमेंट में भी ये प्रोसेस कर देंगे, और तो और फास्ट एंड हैसल फ्री है, पेमेंट ऑनलाइन कोई भी मोड से आप कर सकते हो, कार्ड से हो कि पेपल से हो, कैश की ज़रूरत नहीं है, और आप उनके काफ़ी सारे कलेक्शन सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में, आप कहीं भी नज़दीकी सिटी से आप प्रोसेस करवा सकते हो, और आपको वैसे तो पिकअप एंड ड्रॉप कहीं से भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप वो सिटी में रहते हो तो ही यू नो आपको वो पिकअप एंड ड्रॉप मिलेगा, अगर कोई तहसील, अगर दूर कोई रिमोट लोकेशन में भी रहते हो तो भी आपको पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस मिल जाएगी ये एजेंसी के द्वारा। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करी स्टेप बाय स्टेप, जिसके वजह से आपको भी अगर कोई फॉरेन कंट्री अदर देन टूरिज्म पर्पस विजिट करना है, जैसे कि बिजनेस हो गया, ट्रेड हो गया, फिर पढ़ाई के लिए, तो क्या डॉक्यूमेंटेशन पे जो मैंडेटरी स्टैम्प्स लगते हैं अपोस्टाइल के या फिर एम्बेसी के, तो कैसे आपको मिल सकते हैं, तो आप ये खुद से भी प्रोसेस कर सकते हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, लेकिन मेरे हिसाब से आप ज्यादा समझदार हो, खुद से अगर करना चाहोगे तो काफी सारा टाइम चला जाएगा और काफी भागदौड़ हो जाएगा आपका, अदर देन अगर ऐसी एजेंसी जहां से मेरे फ्रेंड ने भी कराई है, जिसकी वजह से मेरे को पता है कि ये एजेंसी अच्छी है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक भी दी है और जो वेबसाइट मैंने आपको बताई भी है जिसकी सर्विस इतनी अच्छी है, तो उनसे आप करवाते हो तो आपका काम फास्ट हो जाएगा, घर बैठे बैठे आपको डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल के स्टैम्प्स वगैरह करके आ जाएंगे, और तो और सिर्फ एक छोटी सी सर्विस चार्ज अलग से लगेगी, दैट्स ऑल, उनकी सर्विस फी लगेगी, उसके अलावा ज्यादा कोई चार्ज नहीं लगेगा, तो आप ज्यादा समझदार हो कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से अपोस्टाइल या फिर एम्बेसी के स्टैम्प्स करवाने हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको फ्यूचर में जरूर काम आएगा, और जो भी अगर सर्च कर रहे पहली दफा मेरे चैनल पे आके ये वीडियो देख रहे, तो ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस आपको मिलते जाएंगे, जहां मैं बेसिकली 99% तो टूरिज्म के हिसाब से करता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, मजे करता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ, और सस्ते में आपको बताता हूँ कि कैसे आप भी ट्रैवल कर सकते हो पर्टिकुलर कंट्री या फिर पर्टिकुलर जगह में, बस वही बात है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां से मैं थाईलैंड की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो बहुत मजा आने वाला है, स्टे ट्यून, और ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। आई होप मेरे साथ साथ आपने भी बहुत कुछ सीख लिया है अभी अभी हाल ही में इस मामले में बेसिकली, है ना, बाय।